नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल। आज हम पहुंचे हैं मथुरा के समाज सेवी जो कि एक अनिल अग्रवाल जी के नाम से मशहूर हैं। ये अनिल अग्रवाल जी को जो आज कबीर कहनूर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, क्योंकि हमारे संगम में सुनने को आया है जैसे कि इन्हीं की जो संस्था के द्वारा बताया गया कि पूरे भारत से कुछ चुनिंदे लोगों में आपके मथुरा से भी सम्मानित हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में प्रदेश खबर चैनल पहुंचा है अनिल अग्रवाल से आज बात करने के लिए। आपका प्रदेश खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो आपको सम्मानित किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 27 तारीख को दिल्ली से खबर मिली कि आपको कोहिनूर सम्मान दिया जाना है, कवि कोहिनूर सम्मान, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो उनके आदेश पर हम वहां बी आर अम्बेडकर हॉल है जनपद पे, तो वहां गए तो वहां 100 व्यक्ति देश में से उन्होंने चयनित किए होंगे और ईश्वर कृपा से या ये मान के चलो कि सब लोग आपके आशीर्वाद से उसमें मेरा नाम भी था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कवि कोहिनूर सम्मान पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और उन्होंने 100 व्यक्तियों में से मुझे चयन किया। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो उन लोगों को आभारी हूं जिन्होंने मुझे चयनित किया इस सम्मान के लिए। जैसे कि आपको सम्मान मिला है और अभी आपको पार्टी समाजवादी से सम्मान मिलना बाकी है, वो सम्मान आपको बार बार रहते रहते मिलते मिलते रह जाता है। आप 22 में भी सम्मान की बात करते हैं, सम्मान आपको विधायक के तौर पर टिकट के तौर पर देने की बात होती है तो वो सम्मान आपका रह जाता है। क्या अनिल अग्रवाल 2024 में समाजवादी गठबंधन से सम्मान पाने के इच्छुक हैं? देखो, पार्टी का निर्णय और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मेरा मानना यह है पार्टी मुझे कहीं ना कहीं तो समझती है, जब मुझे 22 में भी समझा गया, अब 24 में अगर इस पार्टी समझती है तो मेरा ऐसा, मैं पार्टी का भक्त हूं, समझती है तो मैं पार्टी के साथ हूं, और 27 में समझती है तब भी पार्टी के साथ हूं। मैं पार्टी का भक्त हूं और राष्ट्रीय हमारे अखिलेश यादव का बहुत बहुत मैं उनका शुभचिंतक और पार्टी का शुभचिंतक हूं। मुझे अपने पद की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में अपनी समाज पार्टी की सेवा करनी। क्या अनिल अग्रवाल समाजवादी झंडा उठाने को है सिर्फ? अरे ऐसा नहीं, 22 में जब आप कहते हैं कि मुझे 22 में टिकट चाहिए तो टिकट है ना देवेंद्र अग्रवाल के रूप में पैरासूट व्यक्ति आता है, आप कहां दिखते हैं पार्टी के कार्यकर्ता? ऐसा नहीं, सबसे पहले आप ये सोचो मुझे पार्टी ने टिकट देके सम्मानित किया, उनके सामने कोई समस्या आई होगी, विकट समस्या आई होगी या कोई उनका परेशानी रही होगी, उन्होंने टिकट काट दिया, तो मुझे इस बात का भी दुख नहीं रहा। मैं तो अगर जब भी पार्टी का सम्मान ही मानूंगा इसे, पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं समझा, पार्टी टिकट काटना मैं कुछ नहीं मानता। क्या अनिल अग्रवाल जी इन हालातों को देखते हुए अगर 27 में भी 2 यूपी के लड़के एक संग हो जाएंगे तो आपको भी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन है ये पार्टी जो एक विधायक की टिकट मांगने वाला व्यक्ति वो हर समय झंडा उठाए, इससे चल जाएगा आपका? देखो ऐसा आप गलत कह रहे हैं, जब हमारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी आएगा तो उन्हीं के साथ तो मैं हूं, मैं अलग क्यों रहूंगा? उनका झंडा अगर अखिलेश जी कहते हैं इनका झंडा उठाओ, मैं तो उनका झंडा उठाना तैयार, मैं अखिलेश जी का भक्त हूं, पार्टी का भक्त हूं, मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है? जब अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ है तो मुझे रहने में क्या दिक्कत है? भाई उनका कद बहुत ऊंचा है, उनके साथ हूं मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल अग्रवाल ने सारी बातों का जवाब देते हुए कहा है कि मैं तो सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से अनिल अग्रवाल समाज सेवी को कहनूर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मथुरा से मात्र अनिल अग्रवाल हुए सम्मानित। राहुल शर्मा की रिपोर्ट, प्रदेश खबर चैनल, मथुरा।